इंटरनेशनल डे ऑफ रिडक्शन पुअर्टी यानी कि गरीबी उन्मूलन दिवस, ये विश्व स्तर का एक ऐसा दिवस है जो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हम इसके प्रति जागरूक रहे तो शायद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी के स्तर से ऊपर आ सकते हैं। गरीबी हमारे लिए अभिशाप ही नहीं, बल्कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिन्हें हम देखते हैं, उसको देखकर हमारे जीवन में एक बुरा प्रभाव पड़ता है। भले ही हम बहुत सक्षम हों, भले हम मध्यम वर्गीय हों, भले ही हमारे पास खाने पीने जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब हम रास्ते पर चलते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हमारे मन को एक आघात लगता है जो हमें झकझोर जरूर देता होगा, भले ही हम उससे नकार कर चले आते हैं। गरीबी उन्मूलन दिवस जो कि विश्व स्तर का दिवस है, जो 17 अक्टूबर 2021 को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है और कई सालों से लगातार सेलिब्रेट किया जाता है, और इसलिए किया जाता है कि हम इसके प्रति अवेयर रहें और लोगों को गरीबी रेखा से जो नीचे लोग रह रहे हैं उनको ऊपर ला सकें। गरीबी होने के कई कारण हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनको और आप और हम जरूर जानते हैं। उनमें से सबसे प्रमुख कारण है भ्रष्टाचार, उनमें से प्रमुख कारण है हम लोगों का अज्ञानी होना, शिक्षा कम होना, लोग व्यवसाय कम करना चाहते हैं, नौकरी की तरफ ज़्यादा अग्रसर है और हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी वजह से गरीबी बढ़ती चली जा रही है, और गरीबी और ज़्यादा बढ़ती है जब हम कुछ करने लगते हैं और हमारे जीवन में उसमें सफलता नहीं मिलती, तो हर व्यक्ति चाहता है कि अरे भाई ये काम छोड़ देते, वो काम करते हैं। तो गरीबी को कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वरोजगार की तरफ अग्रसित करना चाहिए, और जितना ज्यादा हो सके भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आजकल गरीब व्यक्ति का शोषण हर व्यक्ति करना चाहता है, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब होता है उसका शोषण बड़ी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि वो अशिक्षित भी होता है और उसे पता भी नहीं होता उसके अधिकारों के बारे में। तो अशिक्षा हमारे लिए बहुत बड़ी अभिशाप बनकर आती है जो कि हमें गरीबी की तरफ धकेल देती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विश्व स्तर पर सेलिब्रेट की जाती हैं, लेकिन हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होता और वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हम जान नहीं पाते। गरीब व्यक्ति हमें 100 बीमारियों की तरफ ले जाता है। गरीब सिर्फ गरीब नहीं होता, बल्कि वो हमारे लिए भी एक परेशानी खड़ी कर देता है। यदि वो गरीब रहेगा, वो अज्ञानी रहेगा, तो वो स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं देगा, वो जो काम करेगा जिस तरीके से गंदगी से काम करेगा, कहीं ना कहीं उसका असर आपके जीवन में भी जरूर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हम ऐसे परेशानियों में जरूर फंस सकते हैं यदि हम गरीबी उन्मूलन की तरफ काम नहीं करेंगे। 22 दिसंबर 1992 को हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 अक्टूबर को विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की गई थी। वैसे तो गरीबी अपने आप में अभिशाप है और गरीब होना अपने आप में बहुत बड़ा कष्ट होता है, लेकिन यदि हम समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग आगे बढ़कर इसके उन्मूलन के लिए कार्य करें तो निश्चित रूप से हम इस परेशानी से लोगों को बाहर ला सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो हमारे समाज में चाहे जितना भी धन हो, ना ही सरकार के पास कुछ ऐसा मैनेजमेंट है, ना ही लोगों के पास कुछ ऐसा है कि वो अपनी बीमारी से बच जाएं और एक गरीबी की तरफ आगे ना बढ़ पाएं। तो ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी की हुई सेविंग्स को ख़त्म कर देती हैं। यदि हमने 10 लाख रुपए सेविंग की और यदि कोई बहुत बड़ी बीमारी हमारे जीवन में आ गई तो 10 लाख रुपए भी ख़त्म हो जाता है, हमारे घर द्वार भी बिक जाते हैं और हमारा जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है और हमारा भविष्य, हमारे घर के बच्चों का जीवन भी अस्त व्यस्त रहता है। तो गरीबी उन्मूलन के लिए चाहे कितने भी काम किए जाएँ वो सब कम है, लेकिन जो महत्वपूर्ण दिशा है वो है अशिक्षा, जिसके लिए हमें लोगों को शिक्षित करना चाहिए, और बीमारी के प्रति मैनेजमेंट की लोग बीमार हों तो उन्हें किस तरीके से इलाज सस्ते से सस्ता मुहैया किया जाए कि उनका जीवन अस्त व्यस्त ना हो, उनकी दिनचर्या, उनका और भी जो भविष्य है वो खराब ना हो। तो उसके लिए बहुत समाज में काम करने की ज़रूरत है। गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है विश्व स्तर पर कि लोग इसके प्रति अवेयर रहें, और जो भी लोग इस को निवारण करने के लिए कदम उठा सकते हैं तो जरूर करें। यदि आप अपने से छोटे तबके की तरफ जाते हैं तो जरूर देखिए, यदि उनको कोई आप व्यवसाय छोटा मोटा करवा सकते हैं तो जरूर कराएं, क्योंकि उससे उनका स्तर बढ़ेगा और वो जीवन को आसानी से जी पाएंगे और गरीबी उन्मूलन का जो ये मुहिम है विश्व स्तर का वो सफल हो पाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसे मैं हर दिवस की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।